नगर परिषद ऊना ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए 5 नए छोटे वाहन तैनात किए हैं। इन वाहनों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित किया जाएगा। इन वाहनों में विशेष रूप से गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग डालने के लिए अलग बॉक्स बनाए गए हैं। नगर परिषद ने प्रत्येक वाहन पर सफाई कर्मचारी भी तैनात किया है, जो हर घर से कूड़ा इकट्ठा करेगा। इससे सड़कों पर कूड़ा फेंकना कम होगा। नगर परिषद ऊना की अध्यक्षा पुष्पा देवी ने नगर परिषद कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पवन कपिला व पार्षद उर्मिला चौधरी भी उपस्थित रहे। पुष्पा देवी ने बताया कि नगर परिषद ने छोटे वाहन लिए हैं, जिससे गलियों में जाकर कूड़े को इकट्ठा करना आसान होगा। इससे बेहतर रूप से सफाई करने में मदद मिलेगी और स्थानीय निवासियों को भी कूड़ा इधर उधर फेंकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था है और इसको जल्द सुचारू भी बना दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है, ताकि शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वह नगर परिषद ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगी। आज हमने 10 गाड़ियों की शुरुआत कर दी है। हर घर से, हर गली और शहर से हम कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ भेज दी हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर घर का कूड़ा उठाया जाए। और सभी शहर के निवासियों से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा सहयोग करें और हम ऊना शहर को एक स्वस्थ अभियान की तरह लेकर चलें। और हम मोदी जी का सपना भी हमारी ही ओर से पूरा होना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि ऊना शहर के वासी जो हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।